गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एचटेट क्वेश्चन पेपर 2013 का चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हम अपने जो तैयारी है उसको आगे लेकर जा रहे हैं। इससे पहले 2014 का मैंने जो क्वेश्चन पेपर था, पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट था और जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पार्ट था, वो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है। आज हम 2013 का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह स्थिति में सामान्यतः एक विद्यार्थी की जो परफॉर्मेंस होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा क्या होती है, बेहतर होती है। जब भी ग्रुप के अंदर कोई भी विद्यार्थी काम करता है तो उसकी जो कॉम्पिटिशन की भावना जो होती है वो बेहतर होती है और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शैक्षिक क्षेत्र में रचनात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त उपकरण नहीं है। तो इसका सबसे आसान जो विकल्प है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि इनके द्वारा हम किसी भी विद्यार्थी की रचनात्मक जो उसकी प्रतिभा है उसका हम क्या नहीं कर सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विशेषताओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न परिस्थितियों में संगत होना, काफ़ी समय तक स्थिर होना और गुणों में होने वाले विचलन के कारण व्यक्तित्व में विभिन्नता। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, शील गुण। क्या कहा जाता है, शील गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें संगीत की जो योग्यता है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पर पुनर्बलन का जो लक्ष्य है उसका है प्रणोद का ह्रास। ये जो क्लार्क हल के सीखने का जो सिद्धांत है ये किसके ऊपर आधारित है, ये आवश्यकता के ऊपर आधारित है। उन्होंने ये कहा था कि चालक क्या है, चालक आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है, अपना काम आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप यौन शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। सभी विद्यालय में अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके नए शारीरिक बदलावों को समायोजन करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो एक शिक्षक के रूप में आप सभी चाहते हैं कि भाई जो यौन शिक्षा है वो सभी स्कूलों में कंपलसरी कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू दियर एज वो उनको आसानी से क्या कर सके, समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हल के प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है। तो इसके अंदर जो समीपता अनुबंध सिद्धांत है यह हल के प्रबलन सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है। तो ये जो संरचनावाद है ये जॉन बी वॉटसन ने नहीं दिया, बल्कि जो संरचनावाद है वो विलियम मैक्समिलियन और एडवर्ड टीचनर ने दिया था। आप ध्यान रखें इस चीज का कि संरचनावाद का जो सिद्धांत है वो विलियम मैक्सिमिलियन और एडवर्ड टीचनर ने दिया था, ना कि जॉन वॉटसन ने। तो इसमें किसका मिलान सही नहीं है, संरचनावाद का मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था। तो किसने किया था, बीएफ स्किनर ने। किसने किया था, बीएफ स्किनर वे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले तैयारी, उसके बाद उद्भवन, फिर प्रदीप्ति और सत्यापन। ये आपके चार स्टेजेज हैं जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाओं का सही क्रम दर्शाती है। नेक्स्ट पर्सन है 11, निम्नलिखित में कौन ऋणात्मक पुनर्बलक के सही कथन है। ऋणात्मक पुनर्बलक वांछित अनुक्रिया के घटित होने की। तो ये आपका जो 11वें पर्सन का जो उत्तर है वो क्या है, ये कथन सही है कि ऋणात्मक जो पुनर्बलक है वो वांछित अनुक्रिया के घटित होने की क्या करता है, जो स्थिति है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता। तो ये अव्यक्त अधिगम जो होता है इसमें हर बार उसको प्रदर्शित करने के लिए मोटिवेशन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन प्रसूत व्यवहार संबंधित है। तो ये प्रतिवादित व्यवहार से, उद्दीपन प्रसूत जो व्यवहार है वो कौन से व्यवहार से संबंधित है, प्रतिवादित व्यवहार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है? तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है? ज्ञान से, अनुभव प्राप्त करने से, और इनसे संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का क्या होता है? संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, कक्षा में अंतःक्रिया के दौरान एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं दे पाते हैं, आप किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे? तो हम क्या करेंगे, अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे कि अभी हमें नहीं पता, और अगले दिन उसको उत्तर देने का क्या करेंगे, वादा करेंगे। तो ये हर एक अच्छे टीचर की एक पहचान होती है कि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारी मेमोरी में नहीं आते हैं, तो हम बच्चों को कहेंगे ठीक है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैं आपको ज़रूर देख कर बताऊँगा। तो ये एक अच्छे जो अध्यापक है उसकी क्या होती है, पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या होगा कि उसकी निम्न उपलब्धि के कारणों का क्या लगाए पता लगाए? कि एक अच्छा विद्यार्थी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, अगर बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसकी जो निम्न उपलब्धि के कारण है, भाई उसकी संगत के अंदर कोई गड़बड़ हो गई या उसके परिवार में कोई समस्या है, तो इन समस्याओं का हमें पता लगाकर उनको दूर करके हम उस बच्चे के भविष्य को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है कि जब हम क्या कर बच्चा विद्यार्थी क्या करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक हैं वो किस देश से संबंधित हैं? स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं। तो इन स्टेजेस का आपको क्या होना चाहिए, इसमें उम्र पूछी जा सकती है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसके अंदर आप लिखेंगे 11 वर्ष से आगे की जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें अमूर्त चिंतन क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसके अलावा जो संवेदीगामक अवस्था है, ये आपकी जन्म से और 2 वर्ष तक रहती है। जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी रहेगी? संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक रहती है? 2 से और 7 वर्ष। और मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वह 7 से और कितने वर्ष तक रहती है? 11 वर्ष तक रहती है। तो ये आपको एज जरूर याद करनी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें जीन पियाजे ने उम्र कितनी बताई, तो उसमें उत्तर जो होगा वो होगा 11 वर्ष से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? तो वह किस स्तर पर होता है? परंपरागत नैतिक स्तर से क्या होता है, इसकी अभिमुखता का निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो जितने भी डिसेबल्ड जो अयोग्य बच्चे हैं उनको, उनके लिए जो पाठ्यक्रम में वो क्या दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अनुदेशन प्रक्रिया जिसमें वयस्क प्रस्तुत सहायता की मात्रा व प्रकार में समायोजन करते हैं ताकि वह बालक के विकास के स्तर के योग्य हो, कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं स्केफोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्केफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिप्रेरणात्मक चक्र का कर्मिक कदम नहीं है? तो प्रेरणा जो है वो इसका अभिप्रेरणात्मक चक्र का कर्मिक कदम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न परीक्षणों में कौन सा बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? तो रोविन कृत जो प्रोग्रेसिव मेरिट ट्रेस है, रोविन कृत प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस, इसमें क्या किया जाता है, बुद्धि परीक्षण किया जाता है। बाकी ये सभी व्यक्तित्व परीक्षण का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन 4 में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा कि अभिव्यक्तियां समझाने एवं बातचीत द्वारा परिवर्तित हो ही नहीं सकती हैं। तो अभिव्यक्तियों को क्या किया जा सकता है, बातचीत और ज्ञान दर्शन के द्वारा या मार्गदर्शन के द्वारा उनको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और यह है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने। इसको बिने एवं साइमन
दो जो आपके क्या थे मनोचिकित्सक थे, उन्होंने मानसिक प्रत्यय दिया था। इसके बारे में मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो बिने साइमन ने दिया। व्यक्तिगत बुद्धि मापन के लिए सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, पेरिस विश्वविद्यालय में, और वो किसने किया था, प्रोफेसर बिने ने किया था। 1890 के अंदर बिने एवं साइमन ने सर्वप्रथम फ्रांस के अध्ययनरत जो मंद बुद्धि के बालक के लिए जो शिक्षा का प्रयास किया गया था उसके लिए उन्होंने मानसिक आयु का क्या दिया था, प्रत्यय दिया था। तो इसमें बिने, अल्फ्रेड बिने, अगर बिने एवं साइमन आ जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा, बिने एवं साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नजरियों की सराहना करने में सक्षम नहीं होता है तो इसे कौन सी वृत्ति कहा जाता है, तो इसे अहम केंद्रिक क्या कहा जाता है, वृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन गहने की अधिगम सोपाने की सर्वोच्च स्तर की है, तो समस्या समाधान जो अधिगम है ये गहने के अनुसार सोपाने की जो है सर्वोच्च स्तर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहका ब्लॉक डिजाइन परीक्षण उदाहरण है, तो ये निष्पादन परीक्षण का जो कोहका का जो ब्लॉक डिजाइन है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। बिने के अनुसार जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है वह कौन सी, वह कहलाती है, वह कहलाती है आधार वर्ष। क्या कहलाती है, आधार वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मैक्लेलैंड का योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है, तो ये उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है इसमें मैक्लेलैंड का सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, सर्वोत्तम जो क्या माना जाता है, योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, आपकी कक्षा की एक छात्र सहपाठी द्वारा तंग किए जाने की शिकायत आपसे करती हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो इसका उत्तर सी होगा, छात्र को शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन देंगे, छात्र को ऐसे व्यवहार की निंदा और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे और लिंग संवेदनशीलता सिखाएंगे। तो ये आपके 30 प्रश्न थे 2013 के एस्टेट जो आपका पेपर आया था उसका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पार्ट आज हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा, आप इन सभी को याद करें और जल्द ही 2000 जो नेक्स्ट हमारा जो पेपर होगा क्वेश्चन पेपर 2011 का वो मैं आपके सामने लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।